फिजिक्स में पाठ कार्य शक्ति ऊर्जा से जो कि न्यूमेरिकल जैसे लिया है, पहले हमने सवाल में बताए थे उसके आधार है कि एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर दबाया जाता है, तो स्प्रिंग द्वारा बाह्य कारक पर कृत कार्य क्या है? तो बच्चों स्प्रिंग का बल नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर है, बल नियतांक को हम के से दिखाते हैं, तो के बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर। स्प्रिंग को कहते हैं 1 सेंटीमीटर दबाया जाता है, तो स्प्रिंग का जो विस्थापन है एक्स वो 1 सेंटीमीटर है, जिसे हमने मात्रक मीटर में बदला, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/64 मीटर, तो 100 से हमने इसे भाग कर दिया तो ये मीटर में बदल गया। तो स्प्रिंग कितना कार्य करेगा ये हमें बताना है, तो पहले हम ये निकालेंगे स्प्रिंग कार्य कितना करेगा। इसके लिए स्प्रिंग पर ऊर्जा कितनी है, क्योंकि स्प्रिंग पर जितनी ऊर्जा होगी या स्प्रिंग के अंदर जितनी ऊर्जा होगी स्प्रिंग उतना ही कार्य करेगा। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थित स्थिति ऊर्जा यू बराबर 1/2 kx² सूत्र से, तो जब इसमें वैल्यू लगाई 1/2 k का मान 50, एक्स का मान 1/100, तो 1/100 पर 2 बार गुणा करते हो वर्ग हो रहा है, हल करोगे तो स्प्रिंग की ऊर्जा आ गई 1/400 जूल। अब बच्चों स्प्रिंग की ऊर्जा 1/400 जूल है, अब स्प्रिंग पर जितनी ऊर्जा है स्प्रिंग उतना ही कार्य करेगा, इसलिए स्प्रिंग द्वारा कृत कार्य डब्ल्यू बराबर स्प्रिंग की ऊर्जा, मतलब कि स्प्रिंग द्वारा कृत कार्य हो गया 1/400 जूल। क्योंकि ध्यान रखना है बच्चों किसी भी वस्तु पर जितनी ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु के अंदर जितनी ऊर्जा होगी वस्तु उतना ही कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति की, बच्चों कक्षा 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी कर्ता या कारक जो कार्य कर सकता है, कर्ता द्वारा कार्य करने की दर या 1 सेकंड में किया गया कार्य, तो किसी भी मशीन द्वारा जो कार्य कर सकती है या कोई करता है या कार्य व्यक्ति है कोई कार्य कर सकता है, तो उसके द्वारा ये निकाला जाए कि 1 सेकंड में वो कितना कार्य कर सकता है। तो 1 सेकंड में कितना कार्य करेगा वह उसकी कलाई की शक्ति या उसके कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। जैसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं सूत्र हो गया पी बराबर W/T, जहाँ W कार्य है T समय है। अब शक्ति के बच्चों मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक जूल बटे समय का मात्रक सेकंड, तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक हो गया और जूल प्रति सेकंड को हम कहते हैं वाट। तो शक्ति का मात्रक आप जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो या इसके अलावा वाट भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चों कई बार सवाल में शक्ति के अन्य मात्रक भी दे दिए जाते हैं, अगर शक्ति का वाट के अलावा कोई और मात्रक दिया हो तो आपको उसे वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने शक्ति के अन्य मात्रक की वैल्यू लिख दी है कि 1 किलोवाट। अगर 1 किलोवाट लिख कर आता है तो उसे आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 किलोवाट में होते 1000 वाट, 1000 वाट का 10^3 वाट कह सकते हो, 1000 में 3 जीरो है तो 10^3 वाट। मेगावाट कई बार लिख के आ जाता है, किलोवाट को संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं kW, मेगावाट को MW, तो ये मेगावाट हो गया कैपिटल है, तो मेगावाट में होते हैं 10^6 बार। ऐसी कई बार शक्ति का मात्रक दे देते हैं अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति या HP, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, ये लोग हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। शक्ति के देखो सूत्र जो है उसके अनुरूप हम बना सकते हैं। अब शक्ति के सूत्र के अनुरूप कैसे बनाओगे, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्य आप किस रूप में कर रहे हैं। जैसे आप मान लो किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित कर रहे हैं, तो शक्ति P बराबर W की जगह सूत्र लगाया FD cos थीटा। अगर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य का सूत्र होगा FD cos थीटा/T, जिसमें बल F बल हो गया, D विस्थापन, T समय, और थीटा हो गया बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब बच्चों ये विस्थापन D और बटे समय T लिखा है, तो विस्थापन बटे समय को कहते हैं वेग, तो हमने इतने की जगह ये रूप चेंज कर दिया, विस्थापन बटे समय की जगह हमने लिख दिया वेग V, तो सूत्र हो गया शक्ति का P बराबर FV cos थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं। अब इसके अतिरिक्त दूसरा रूप इसका कि अगर मान लो किसी वस्तु पर हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वस्तु में गतिज ऊर्जा आ रही है, तो वस्तु में गतिज ऊर्जा आ रही है तो कार्य के जगह सूत्र लगा सकते हैं 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का, क्योंकि वस्तु अगर कार्य कर रही है गतिज ऊर्जा के रूप में तो इसका मतलब वस्तु की ऊर्जा या कार्य उसकी गतिज ऊर्जा है, 1/2 mv² लगा सकते हैं, 1/T, तो ये P का सूत्र हो गया।
अब यही मान लो कार्य कर रहे हैं आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो कार्य विस्तृत गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कर रहे हो, तो जब कार्य का सूत्र MgH/T, जैसे मान लो हम कोई मोटर पंप है और मोटर पंप से पानी को हम छत पे चढ़ा रहे हैं, छत पे टैंक रखा है, तो पानी को हम छत पे टैंक रखा है वहाँ भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पानी जो है हाइट पे चढ़ रहा है, तो पानी हाइट पे चढ़ रहा है तो बच्चों उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है। इसका मतलब मोटर जो कार्य कर रहा है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कर रहा है। तो अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कोई कर्ता कार्य करता है तो उसके कार्य का सूत्र हो जाएगा MgH/T। तो इस तरीके से शक्ति के सूत्र में जो W आ रहा है, W जो कार्य है उसका सूत्र ये समझ के लगाना है कि कार्य हमारा किस रूप में हो रहा है। जिस रूप में हमारा कार्य होगा, बल लगाकर विस्थापित करेंगे तो ये फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करेंगे तो ये फॉर्मूला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे।